उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के खिलाफ समर कैंप लगाकर इस्लाम का धर्म प्रचार कर अपने धर्म को अच्छा बताने का प्रयास करने का आरोप लगाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 2 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया था और कोई कार्यवाही न होने के बाद आज फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह से मिलकर स्कूल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन में स्कूल के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वह उनके कार्यालय के आगे अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। वहीं इस मामले में मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि समर कैंप लगाने की जानकारी मिली थी, सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। कुछ लोगों के आपत्ति होने के बाद स्कूल ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और सोशल मीडिया पर किए गए प्रचार प्रसार को भी हटा दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है, जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आज से 4-5 दिन पहले हमने 2 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल है जो कि दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है जो कि CBSE मान्यता प्राप्त है और वो एक समर कैंप का आयोजन करके ऑनलाइन माध्यम से 8 से 15 साल के बच्चों के इस्लामिक हिदायत अपने जीवन में कैसे उतारें, इस्लाम क्यों ज़रूरी है, इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था। आज उसी के लिए विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल आया है कि जिला प्रशासन ने क्या उस पर कार्रवाई करी है, क्योंकि जिला प्रशासन ने हमें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई है अब तक। अभी डीएम साहब से मिले हैं, क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं। इस मुद्दे पे बड़ा बवाल हो सकता था, अगर माइनॉरिटी प्राप्त भी है तो ऐसा कैंप लगाने का कोई भी किसी भी स्कूल को अधिकार नहीं है और मैं इसे आप गंभीरता से लेकर के इसकी जांच करवाऊंगा। और आज से 5 दिन बाद फिर विद्यार्थी परिषद इस पे पूछेगी। अगर जिला प्रशासन कुछ नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद छात्र हित और राष्ट्रीय हित के लिए उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। क्या मामला है और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की? देखिए, दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल द्वारा 3rd और 4th को एक समर कैंप लगाया जा रहा है। समर कैंप को के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मटेरियल डाले गए थे जिसको लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति है। विद्यालय प्रबंध तंत्र से वार्ता करके 3rd 4th को जो उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था उसको स्थगित करा दिया गया था, स्थगित हो गया था और सोशल मीडिया से जो पोस्ट थी विड्रा भी कर ली गई है। फिर भी इसमें जो विभिन्न एंगल हैं उसके जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं और जांच की जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर आगे निर्देश। आज आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिला था, क्या आश्वासन दिया? नहीं, यही बताया गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली गई, जांच के जो निष्कर्ष होंगे उसके हिसाब से आगे।